हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सूरज टीच बीसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाई जाती है। अगर आपको बूटेबल पेन ड्राइव के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि बूटेबल पेन ड्राइव क्यों बनाई जाती है। किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर को फॉर्मेट करने, दोस्तों यूएसबी को फ्लैश डिवाइस बनाने के लिए पेन ड्राइव का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, बूटेबल पेन ड्राइव को बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। वो सॉफ्टवेयर को मैं दिखा देता हूँ। इस जगह मेरा एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिसका नाम है नोविक्रोव विन 2 फ्लैश लाइट। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना होगा। फर्स्ट में डाउनलोड करने के बाद आपको सेकंड में आपको क्या करना होगा, एक आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना होगा। तो आप पूछोगे ये आईएसओ फाइल है क्या चीज़, तो आईएसओ फाइल एक विंडोज़ है, विंडोज 7 का आईएसओ फाइल है, ये विंडोज 10 का है क्योंकि इसके अंदर जो है इनका, तो दोस्तों इसके अंदर विंडोज 7 डाला हुआ है। तो इसको क्या करना है, एक पेन ड्राइव में डालना होता है। तो आप डायरेक्ट ही इसे उठा के पेन ड्राइव में डाल दोगे तो वो नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा, इसलिए उसे बूटेबल बनाया जाता है, उसे फ्लैश डिवाइस बनाया जाता है। तो चलिए फ्लैश डिवाइस बना लेते हैं अपना। इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। तो ये जो सॉफ्टवेयर आप मैंने आपको दिखाया था, ये जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इस तरह का खुलेगा। डबल क्लिक करने के बाद आप इसे सिंपली नेक्स्ट करें। जैसे सभी को इंस्टॉल किया जाता है सेम टू सेम, इसी तरह इंस्टॉल कर लेना है इसको भी। तो इसे सिर्फ इनसे इंस्टॉल करने का फिनिश कर दें। फिनिश करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक ये खुल गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वार्निंग शो हो रही है, तो इसे प्लीज़ यहाँ पे ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा है, तो यह नेक्स्ट कर दें, आई एग्री पे क्लिक कर दें, उसे फिर नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे फ्री लाइसेंस, यहाँ पे एक पेड लाइसेंस लिखा हुआ, एक फ्री लाइसेंस हुआ, तो फ्री पे क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ये फ्री में भी काम करेगा, पेड में भी काम करता है ये, तो आप फ्री ही यूज कीजिए। यहाँ पे सिंपली इसे पूछ रहा है नेक्स्ट, तो फिर से नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें। अब कुछ इस तरह का आपको खुला हुआ दिख जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन, यहाँ पे लिखा और ओपन योर मल्टीपल बूट यूएसबी, यहाँ पे सिंपली इस जगह आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी क्लिक करने के बाद नया विंडो खुल चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ नो डिवाइस, क्योंकि मेरा यूएसबी डिवाइस अपने सिस्टम में लगा हुआ नहीं है, मेरे लैपटॉप में लगा हुआ नहीं है। तो आपको एक सेफ सिस्टम में आपको अपना पेन ड्राइव डालना होगा। मैं पेन ड्राइव को डाल लेता हूँ। ये पेन ड्राइव मेरा 16 GB का है, आप चाहे तो 4 GB भी यूज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मेरा ये पेन ड्राइव के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आपका फाइल है इसके अंदर तो प्लीज़ इसे बैकअप कर लें कोई और डिवाइस में, क्योंकि ये फॉर्मेट होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, सिंपली इस जगह आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 14.84 GB, क्योंकि मेरा 16 GB का है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इतना। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो यहाँ पे रिप्लेस पे आप क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे शो कर देगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 2 USB लगाए हुए हैं तो यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो इस जगह, क्योंकि मेरा एक लगा हुआ तो इसलिए यहाँ पे एक शो हो रही है। उसके बाद आपको सिंपली इसे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर एक नया विंडो खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे करना है। सेलेक्ट पे क्या करना है, आपको विंडोज को आईएसओ फाइल जो मैंने आपको बताया था, ये आईएसओ फाइल भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डायरेक्ट लिंक ले सकते हो, वहाँ पे क्लिक करके इस आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो आईएसओ फाइल को यहाँ मैं विंडोज 7 पर भी बना रहा हूँ बूटेबल, तो विंडोज 7 को चूज़ करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। सिंपली ओपन करने के बाद यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी आप ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज विस्टा और एनी, उसके बाद आपको सिंपली इसे 7 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ज़रूरी है ये ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव वो काम नहीं करेगा इस पर क्लिक नहीं कीजिएगा तो। उसके बाद आपको सिंपली इसे ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए विंडोज 7 यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद सिंपली इस जगह आने के बाद इसे रन पे क्लिक करना होगा आपको। मैं यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ रन, तो आपको रन पे यहाँ पे सिंपली इसे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे सिंपली इसे कर देता हूँ रन पे क्लिक। तो रन पे क्लिक करते हैं, आपका जो पेन ड्राइव है ऑटोमेटिक ही इसे फॉर्मेट कर रहा है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर, इसे प्रोग्रेस हो रही है। ये बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का जो प्रोसेस है, करीब आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट भी लग सकती है। ये आपका डिपेंड करता है आपके पीसी और के प्रोसेसर पर। तो मेरा डबल कोड है, थोड़ा टाइम लगेगा, 7 से 8 मिनट लगेगा। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप इसे मैं टेस्ट करके भी दिखाऊंगा ये पोर्टेबल पेन ड्राइव बना है तो क्यों बना है, और ये वर्क करेगी या फिर नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है आप बूटेबल पेन ड्राइव तो बना लेते हो लेकिन वो वर्क नहीं करता है, तो आप बोलते हो कि मेरा विंडोज 7 काम ही नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉपी विंडोज यहाँ पे सिंपली हो चुका है, यहाँ पे हो रहा है 0.1% लिखा हुआ है, ये धीरे धीरे बढ़ेगी आपका।
वर्क फिनिशिंग विथ नो इरोड, यहाँ पे क्योंकि इसका मतलब है कि सबसे सब कुछ यहाँ पे फिनिश हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पे सिंपली इसे कर रहा है ओके पे क्लिक, तो मैं कर देता हूँ सिंपली ओके। अब ये पेन ड्राइव जो मेरा है U12 बन चुका है, इसे मैं सिंपली यहाँ से काट देता हूँ। काटने के बाद इसे भी मैं काट देता हूँ सब कुछ, और यहाँ पे मैं अपना डिस्क पीसी पे चले जाता हूँ। अपना पीसी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए USB ड्राइवर लिखा हुआ है, इसको सिंपली आप क्या करें इसे वापस से एक बार अपना पेन ड्राइव को निकाल लें। मैं वापस से इसे पेन ड्राइव को निकाल लिया हूँ। निकालने के बाद वापस से इसे लगा दें। दोस्तों लगाने के बाद देखिए सिंपली आपको इस तरह से लिखा हुआ आ चुका है Win2 फ्लैश मल्टी बूटेबल मल्टी बूट USB, और ये आपका जो इसमें लोगो से आपको दिख गया है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ये आपका बूटेबल हो चुका है। अगर ऐसे करने के बाद भी आपका बूटेबल काम ना करे तो फिर भी एक टेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको कहा था वही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे बूटेबल USB टेस्ट लिखा हुआ, आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो क्लिक। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके यहाँ पे कुछ पूछेगा तो इसे यस पे क्लिक कर दें। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे साइज लिखा हुआ है और सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्ट पे क्लिक करें, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ विंडोज 7 लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए का मतलब है कि आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव जो सक्सेसफुली बन चुका है, इसमें कोई भी इरोर नहीं है, आप इसे खुद यूज कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे आपका विंडोज़ खुलना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो विंडोज़ फॉर्मेटिंग। दोस्तों मैंने फॉर्मेटिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। मैंने उसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेटिंग करना बताया है। तो आशा करता हूँ आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिना लाइक किए हुए इस वीडियो से नहीं जाइएगा वापस। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।